नमस्कार जोहार साथियों, मैं आपका दोस्त सोनू पांसे और हम आए हैं कृषि अधिकारी कार्यालय। और साथियों देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे किसान हैं जिनकी बहुत सारी समस्या है, जिन्होंने कर्जा वाड़ी लेके फसल बोई है और फसल बोने के बाद फसल खराब हो गई है। तो साथियों हम किसान भाइयों से भी मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या हुआ उनकी फसल को, कितना कर्जा लिया और क्या क्या समस्या है, क्या क्या मांगे है और उन किन मुद्दों को लेके कृषि अधिकारी के पास आए। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे बाबा है जो यहाँ पे खड़े, इनकी देख सकते हैं फसल किस प्रकार खराब हो चुकी है। तो बताइए बाबा आपका नाम क्या है? ओजू। ओजू कहाँ रहते हैं आप? माथनी गाँव। माथनी गाँव रहते हैं। बताइए क्या हुआ आपकी फसल को? ये फसल पूरी डूब गई है। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फसल डूब गई है, इसमें फल्ली भी नहीं लगी है। और कितने एकड़ में बोई आपने फसल? 14 एकड़ में। 14 एकड़ में। और कितना खर्चा आया इसमें? इसमें आ गया 60-70 हजार का खर्च। 60-70 हजार। और कर्जा वर्जा कितना लिया था? कर्जा लिया 1.5 लाख। 1.5 लाख कर्जा लिया और अलग से आपने खर्चा भी लगाया? खर्चा भी लगाया। तो साथियों देख सकते हैं ये माथनी के किसान हैं, इन्होंने इतना सारा कर्जा लेने के बावजूद भी इनकी फसल खराब हो गई है। कहीं ना कहीं इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए ताकि ये किसान अपना परिवार का पेट पाल सके और अपने परिवार को सही शिक्षा दे सके। आपके कितने बच्चे है? 7 बच्चे है सर। क्या क्या करते हैं? सब मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो फसल खराब होने से पूरी आर्थिक स्थिति डब्बा डोल हो गई है। तो साथियों मेरे साथ और भी किसान हैं जो यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ पे फसल लेके खड़े हैं, जो इनकी भी फसल खराब हो गई। बताइए क्या नाम है आपका? केशवराव। केशवराव कहाँ रहते हैं आप? कौड़ी। कौड़ी। और कितनी एकड़ आपकी जमीन है और आपने कितना सोयाबीन बोया था, कितने लागत लगी? 10 एकड़ में बोया। हाँ पूरा सोयाबीन पेर दिया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ 35-35 हजार खर्चा आ गए। और कर्जा कितना लिया? कर्जा 2.5 लाख। और बच्चे बच्चे कितने? 3। 3। क्या क्या कर रहे हैं? मजदूरी खेती बाड़ी। मजदूरी खेती बाड़ी। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई अभी तो कुछ नहीं कर। तो साथियों देख सकते हैं किस प्रकार अगर फसल सही नहीं होगी तो बच्चों को किसान पढ़ा नहीं पा रहा है। तो साथियों इस तरह इनकी फसलें खराब हो गई तो इन्हें बीमा मिलना चाहिए लगातार। ये साथी लोग जो कृषि अधिकारी के पास आए बीमा के लिए। और अभी तक क्या आपके गांव में आपके खेत में सर्वे वर्वे हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। और क्या बोले यहाँ पे आप कृषि अधिकारी के पास आए तो? हुआ बोला, नहीं हुआ अभी सर्वे नहीं हुआ। करेंगे बोले? हाँ करेंगे बोले। और यहाँ पे माताराम भी आई है जो भी अपनी फसल लेकर आई है। माताराम बताइए आपका नाम क्या है? बेगमंतनी। कौड़ियानी मंतनी। अना बताओ क्या क्या हुआ अपनी फसल के साथ? ऐसा हो गया बेटा, क्या होएगा? अच्छा मतलब फसल पूरी खराब हो गई। और क्या क्या कितनी लागत लगी? कुछ लगा 4-5 हजार। 4-5 हजार। कितना एकड़ है आपकी जमीन? आधा खेत तो वैसे ही पड़ा है। तो साथियों देख सकते हैं सही समय पे पैसा नहीं होने के कारण, सही समय पे पैसा ना मिलने के कारण इनकी आधी जमीन जो है वो डूब में चली गई है। मतलब वहाँ एक दाना भी इन्होंने नहीं बोया है। आधा खेत तो वैसे है। आधा खेत वैसे ही है। और यहाँ पे कुछ और किसान भाई है, बताइए आपका नाम क्या है? परशुराम गौलान। कहाँ रहते हो? ग्राम पंचायत लाहस। ग्राम पंचायत लाहस। तो आपकी फसल को क्या हुआ? हमारी फसल पूरी बर्बाद हो गई। कैसे से बर्बाद हुई, इसका कुछ कारण? शुरू में पानी कम आया, फसल अच्छी जमी और उसके बाद में जब फूल आने के टाइम पे हुआ पानी ज्यादा आ गया। हम शासन से ये चाहते कि जो जो बर्बाद किसान हुआ उसकी राहत राशि मिले। जी जी। बीमा कराया होगा? बीमा कराया था, पिछले वर्ष भी करवाया था। तो पिछले बार का बीमा मिला कि नहीं मिला? हमारे एरिया में सर्वे नहीं हुआ। यहाँ पे किस किस को बीमा मिला? हम डिफाल्टर रह चुके हैं। हम डिफाल्टर रह चुके हैं किसान। अच्छा आज मेरे गांव में 25 से 30 किसान डिफाल्टर है। 2.5-3 लाख रुपए केसीसी थकित है सोसाइटी। इस वजह से वो डिफाल्टर हुए? इसी वजह से हुए। फसल खराब? फसल खराब की वजह से। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पे कई जो किसान है डिफाल्टर घोषित किए गए है, जिनका एक मुख्य कारण सामने नजर आ रहा है कि इनके फसल का सर्वे नहीं किया गया। अगर इनका फसल सर्वे होता सही समय पे तो कहीं ना कहीं ये लोग सही मुआवजा मिलता इन्हें, और ये जो मुआवजा मिलने पे जो राशि होती है वो भर के नया लोन ले सकते थे, कर्ज ले सकते थे,
पर न इनका सर्वे हुआ, न इनके जो नुकसान हुआ उसका आकलन हुआ। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पे कई किसान है जो पिछले साल भी इन्हें बीमा की राशि अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इनकी जो राहत राशि है, जो फसलों की बीमा राशि है, जो पिछले साल की भी है और इस वर्ष की भी है, इन्हें तत्काल मुहैया कराया जाए, ताकि इनके बच्चे बच्चे जो शिक्षा जो ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो इनके तक भी कुछ पैसा पहुंच सके। क्योंकि कुछ बच्चे बाहर भी पढ़ते हैं आपके? भैंसदेह में पढ़ते हैं। भैंसदेह में पढ़ते हैं, तो क्या किराया विराया से रहते होंगे? किराए से रूम से रहते हैं। क्या किराया देते बच्चों को? 1500 रुपए महीना, खाना पीना ऐसे करके 5-6 हजार एक बच्चे को पड़ जाता है। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे है। 3 बच्चे, कितने बच्चे भैंसदेह में पढ़ रहे? 2 बच्चे। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 2 बच्चे है, इनको 5000 रुपए लग रहा है। अरे किसान खेती के भरोसे बच्चों को पढ़ा रहे, तो बताइए अगर ये किसी खेती के भरोसे पढ़ा रहे और खेती पे जो जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है जिसपे फसल उगा रहे हैं, अगर वो फसल ही डूब जाएंगी तो बताइए कैसे इनके जो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो रहा है कि फसल बर्बाद होने से कहीं इनके बच्चों की शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ रहा है। शासन से हमारी ये मांग है कि जो डिफॉल्टर किसान है उसके लिए शासन जो साइड है बीमा करवाने का, वो एक बार खोल के बीमा करवा दिया जाए डिफॉल्टर किसान, ताकि डिफॉल्टर ना रह पाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो शासन इनकी बातें सुने। और हमारे पास एक और किसान है जो कृषि अधिकारी के इन्होंने पैर पड़े, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हम बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? सर मैं किसान है, किसान सालवे। कहाँ रहते हो? कौड़िया में रहते। तो आपको क्या कारण है कि आपको पैर पड़ना पड़ा? नहीं सर मैं बताओ, हमारे पास में 2.5 एकड़ खेत है, 2 भाई हैं हम जी, 2 भाई हैं, उसमें 2 भाई में कितने कितने आएंगे आप तू भी बता दे। 2.5 एकड़ में 2 भाई को कितने कितने आएंगे? 1.25 एकड़ आएगा। हाँ फिर हम जोतते हैं हम 8 एकड़ दोनों भाई मिलके ठेका लेके। हाँ दूसरे का तेरा मेरा। हाँ 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 ठेका बटाई, ठेका बटाई। हाँ हाँ, मगर वो सभी मिला ऐसा हो गया सर। अच्छा। आप उसको क्या करें? बटाई का जो बीमा है वो मिलता कि नहीं मिलता? नहीं सर अभी तक क्यों नहीं मिला हमको, वो दूसरे को मिलता है। कम से कम सर हम 4 पीढ़ी हो गया सर। जो 8 एकड़ है वो खेत तुम्हारा है कि दूसरे का है? नहीं दूसरे का है वो, तो वो बीमा तो उसको मिलता होगा। अरे तो उसमें तो कुछ तो होना चाहिए, हम जो गलत हो रहा है वो तो गलत हो रहा है आपके साथ। आप फसल बो रहे हैं बीमा कोई और ले रहा, तो क्या कहना चाहोगे कि ये फसला हम दूसरे? हम सोच रहे हैं कि हम गरीब आदमी, हम जोत रहे हैं 2.5 एकड़ में 2 भाई पढ़ रहे हैं हम, तो मैं बोल रहा हूँ कि साला उसका भी अपने को थोड़ा उसको ज्यादा मत दे, अपन थोड़ा सा तो ले। तो जैसा साथियों देख सकते हैं ये किसान है जो कवड़िया के निवासी है, ये खेती ठेका पे भी लेते हैं, दूसरे की खेती पैसा लगा के फसल उगाते हैं और इनकी फसल खराब हो गई है, तो वो जो फसल का जो बीमा है वो अन्य किसान को मिलता है ऐसी इनकी बात है, तो इन्हें भी मिलना चाहिए। और यहाँ पे कौड़ी के भी किसान हैं और जयस के कार्यकर्ता है, बताइए आपका नाम क्या है? हमारा फिर ऐसा भी है, पटवारी ने जाके चेक भी करा, जांच भी करा और फिर भी मोजा नहीं मिला वहाँ पर, वो उसने इतना काटा भी फिर भी मोजा उसमें थोड़ा सा एक कर का, लेकिन पटवारी ने फिर भी उसका कुछ मोजा नहीं दिया हमको, काटा भी 4x4 का इधर भी काटा, 4x4 का इधर भी काटा, चारों कोना काटा, फिर भी उसको मोजा नहीं दिया हमको। पटवारी सर गलती किसकी है? पटवारी की गलती है, पटवारी की गलती। हाँ पटवारी की गलती है इसमें, पटवारी ने वो दिए नहीं हमको, उसने काट लिया मिला लिया उसने फिर भी हमको कुछ नहीं दिया हमको। ठीक ठीक ठीक। हाँ और यहाँ पे ग्राम कौड़िया के कोटवार है जो लगातार बने हुए हैं, बताइए और क्या क्या आपके गाँव में, कहाँ कहाँ कौन कौन से गाँव में समस्या है? सर समस्या सभी किसानों की है, इसमें ये फसल बर्बाद होने के कारण सभी किसान आते हैं, सभी किसान भैंसदेह के यहाँ वहाँ कोर्ट कचहरी के सब चक्कर लगाते, और इसमें जो फसल है मेरी यही तमन्ना है कि ये खेत में जाकर के हर एक खेत में जाकर के जिसको वास्तव की अगर नुकसान होता है वहाँ पे मेरे साथ में भी यदि कोई अधिकारी जाए तो मैं उसको ले जाके दिखा सकता हूँ कि वास्तव की नुकसान देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि जो सर्वे हो रहा है मतलब कागज में हो रहा है, जमीनी स्तर पे कोई सर्वे नहीं हो रहा, तो ये ऐसा कुछ आए तो मेरे पास भी आदि आए तो मैं हर किसान के वहाँ खेत पे जहाँ वास्तव की खर्चा आया है और नुकसान होता है उनके खेत में मैं खुद लेके स्वयं लेके जाऊँ, कोई अधिकारी आदि आए मेरे पास। बिल्कुल साथियों देख सकते है हमारे दर्शक जो है
ये जैसा ग्राम कोटवार सुनील बेले जी है, ग्राम कवड़ा के है, इन्होंने बताया कि ये हर इनकी मांग है कि जो भी किसान की जो खेती है उनका जो प्रशासनिक स्तर पर सर्वे किया जाए और हर किसान के खेत में जा जाके उनके सर्वे लिया जाए ताकि वास्तविक जो परिस्थिति है वो ताकि नजर आए। क्योंकि होता क्या आ रहा है कि कागजों में जो अधिकारी है वो सर्वे कर ले रहा है पर वास्तविक किसान के जो नुकसान है वो नुकसान की भरपाई नहीं हो रही, जिससे कईयों किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं। और एक काम करते सर, कभी ये पटवारी नहीं आ रहा, जांच करने नहीं आ रहा, उसका कोई बात नहीं, हम फिर कलेक्टर पास शिकायत करने जाएंगे। और नहीं तो फिर कोई बोलता कि 181 पे फोन लगाने का बोलता, हम उसमें भी लगाएंगे फोन। और जैसे कि हम किसी को बोलेंगे नहीं, हम सीधा वहां जाएंगे। जैसा कि आपको करने जाएंगे, जैसा कि आपको फसल का सर्वे भी नहीं मिला, बीमा भी नहीं मिला, राशि भी नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? तो फिर हम तो वहां जाएंगे, कलेक्टर पास जाएंगे, कलेक्टर के पास भी जाके कुछ नहीं होएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर वो एक वो उधर फोन लगाएंगे हम, किधर फोन पे भी कार्रवाई नहीं होगी, फिर भी क्या करेंगे? आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे? चलो बताओ, कोई नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? भैया तुमने तो आज तो साफ तो बन गया, तू हो नहीं तो रोड नहीं है, ऐसा कर देंगे हम, बंद कर देंगे तुम्हारा, तुम आना ही नहीं, तू मेरा मेरा भाई नहीं तू। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे भाई आज तक मेरा भाई था।